तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसे हम फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। This is the structure of female reproductive system. Ovaries are the primary female sex organ. So, and they are situated one on each side. ये एक ovary और ये दूसरा ovary. One on each side of lower abdomen. दोनों तरफ एक एक ovary होती हैं. It is about, it is oval in shape. Oval shape का होता है, 2 to 4 centimeter का होता है. And it is attached to पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये जो जिससे ये अटैच है ये है लिगामेंट, पेल्विक वॉल और एब्डोमेन से लिगामेंट की हेल्प से अटैच्ड होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथीलियम। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथीलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। इसके लिए हम ओवरी का एक अलग से डायग्राम देखेंगे। ओवेरियन स्ट्रोमा, एंड स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इंटू 2 zones, दैट इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम ओवरी, स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, दिस स्ट्रक्चर इज द फिलोपियन ट्यूब। इट इज अबाउट 10 to 12 centimeter लॉन्ग। इसके 3 parts होते हैं, थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। ये जो इन्फंडिबुलम होता है ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं। और ये इन्फंडिबुलम के जो एड्स होते हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं। ये फिम्बरी क्या करता है, इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओविलेशन। मतलब ओविलेशन के बाद ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसको कलेक्ट करने का काम ये फिम्बरी करती है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी उसको कलेक्ट करके यहाँ से पास करती है। एंड इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। इन्फंडिबुलम के बाद जो एक वाइडर पार्ट आता है उसको हम एम्पुला बोलते हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, दैट इज फेलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। एंड इट हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। यूट्रस जो है एक यूट्रस होता है, सिंगल होता है, इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉर्म। एंड द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर। इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। दिस यूट्रस ओपन्स इन टू वजाइना थ्रू अ सर्विक्स। यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपन होती है। ये यूट्रस है, दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना। The cavity of cervix is called cervical canal, and this cervical canal and vagina together, cervical canal and vagina together is called as birth canal. The wall of uterus, ये जो uterus की wall है इसके 3 layers होते हैं, that is एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो एक्सटर्नल सबसे बाहरी जो वॉल होता है, एक्सटर्नल वॉल होता है, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। दिस पेरीमेट्रियम इज अ मेम्ब्रेनस एंड थिन स्ट्रक्चर, और सबसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। पेरीमेट्रियम के बाद जो मिडिल लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और ये जो मायोमेट्रियम है वो मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स का जो
थिक लेयर है उसको मायोमेट्रियम होते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर इनर ग्लैंडुलर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। जो इनर मोस्ट लेयर है वो ग्लैंडुलर लेयर है और उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, ऑल थ्रू यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। ये एंडोमेट्रियम ही है दैट अंडरगोस चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वाइल ये मायोमेट्रियम का क्या रोल है, मायोमेट्रियम एक थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर है। इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये जो मायोमेट्रियम है इसमें स्मूथ, दिस स्मूथ मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।